एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है विंजो ऐप। अगर आप गेम खेलते हो तो इस एप्लीकेशन पर जाकर गेम खेलो, आप गेम भी खेल सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। इसमें 40 से ऊपर गेम है, जैसे कि फ्री फायर हो गया, लूडो हो गया और भाई कॉल ब्रेक हो गया, मतलब काफी गेम है। और भाई इससे जीते हुए पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो बहुत आसानी से, जैसे कि आप यूपीआई अकाउंट से या पेटीएम में आपके साथ साथ आ जाएगा। और कम से कम इसमें 3 रुपए भी आप विड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे आपको 40 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो जल्दी जाओ डाउनलोड करो, कर लो यार, है कर लो, है कर लो। कहाँ जा रहा है? चले ले जाएगी बादशाहपुर तक। गोवा जाने को मेहनत देखी हो? हाँ भाई, यू की है पता नहीं आ रहा, मोटिवेशनल सॉन्ग है, मेडिटेशन और मोटिवेशन के लिए। क्या लगा, बैक लगाएगा? बुरा ही ना तुम किसी का, आई ना रहे हो। सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, आज बुरी हालत कर दी है। घनी कड़ी एक्सरसाइज करवा दी बहुत टाइम बाद, घनी कड़ी एक्सरसाइज करवा दी, इतनी कड़ी ना करवानी यार। क्या लगाएगा? एप्स साइड साइड ऐसा क्या हाथ में निकाल दिया विक्की ने? विक्की फिर शरीर को हमारा फेंक है, एप्स तो ऑलरेडी है मेरे ना, वैसे काम आ रहा है फेंक शरीर में कुछ भी ना, मगर टी शर्ट और जूता भी ना ना, ये हो जो मोरी उसकी देखो ऐसे जिम कर रहा हूँ जब तक फोन यूज कर रहा हूँ भाई साहब। अरे तू पागल है कि तू हो रो देखो देखो दलील गाय देखे जाड़ी नीचे तक। चल भाई मेरी तो होगी विकी होल्डर, चल रही है मैं जा रहा हूँ भाई। अरे लोग थोड़ी सी रेडी है, प्लैंक लगाने अभी आज बता दे तड़के में जाओ ना, ना कल किस चीज की छुट्टी है? तेरी छुट्टी है एक दिन करा करो। अच्छा ना ना मैं कंटिन्यू आऊंगा भाई। तो भाई एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट एंड अभी चलते हैं घर पे। आज बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज हो गई है। एक तो यार ऐसा है ना बीच बीच में सीट बेल्ट यार मतलब घर के पास ही है अभी तो निकल रहा हूँ। तो भाई यार अभी हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट और भाई बहुत बुरी हालत हुई, मतलब बहुत ही मजा आ गया एक्सरसाइज करने में। बैक की एक्सरसाइज थी मेरा फेवरेट पार्ट था,
मजा आ गया। मतलब यार अकेले में इतनी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती, जो क्योंकि वीक के साथ में था ना तो वेट उठ जाता है। अगर अकेला होता तो मन नहीं करता यार छोड़ना, यार तीन सेट लगाए चौथा यार रहन देना। तो ये आ गया, इसमें आ गया भाई फ्यूल का साइन, मत बोल बीच में। तो ये सीन था यार, काफी मजा आया वैसे अभी जाके लेनी डाइट। और आज तो काफी जल्दी उठ गया था सोके, मैं मान लो आज 6:30 बजे उठ गया था सोके, उसके बाद वीडियो एडिट की एंड एडिट करके छोड़ ही आया था मैं, पर मैंने देखा कि वो यार अपलोड ही नहीं हुई, पता नहीं क्या देखूंगा जाके अब क्या होगा था। वैसे पबजी बंद होने का एक फायदा तो हो गया यार, रूटीन सही हो गया अपना। पहले था कि पबजी खेलो 3-4 बजे तक पबजी खेलते थे, उसके बाद सुबह आराम, सुबह मतलब दोपहर ही उठते थे, सुबह तो उठते नहीं थे, 12-1 बजे उठते थे सोके, एंड फिर पूरे दिन फिर भी हल्का सादा दिन तो ऐसे ही चले जाता था सोके। बट अभी ऐसा पबजी नहीं है तो भाई अपने आराम से सो जाता हूँ, 11:30-11:30-12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6:30-7:30 बजे तक, मैक्सिमम 9 बजे तक उठ जाता हूँ आराम से। बट हाँ, पर अब पबजी वापस भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि रूटीन बदल जाएगा। बट नहीं, मैं सोच रहा हूँ पबजी ना ही खेलूँ, अगर खेलूंगा तो बता दूंगा, नहीं खेलूंगा ना तो मुझे तो नहीं है खेलने वैसे तो, क्योंकि अभी 1.5 महीने तक मेरे को बॉडी पे ध्यान देना है फुल, और अभी प्रोटीन भी लेके आना, मेरा प्रोटीन खत्म हो चुका है जो मैंने बोला था, मैं गया नहीं हूँ क्योंकि यार मेरा एक ऑनलाइन मंगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ माई प्रोटीन का जो सेल चलेगी ब्लैक फ्राइडे सेल 27 तारीख को, उससे मंगा लेता हूँ क्योंकि यार ठीक है उसका भी प्रोटीन अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी को मंगा लूँ, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। तब तक अपने एग चिकन से चलाते काम, लेते हैं उनसे प्रोटीन। तो भाई टाइम हो चुका है 4:30 और मैं जिम से आया सीधा, आके मैं सीधा डाइट लिया और मैं सो गया। बट मेरे को अभी पता लगा हन्नी की 4 मिस कॉल, विक्की की 5 मिस कॉल, क्योंकि मेरे को विक्की के साथ प्रोटीन लेने जाना था। बट मैं तो उठाई ना, वैसे मेरे को प्रोटीन लेके नहीं आना क्योंकि मैंने बोला था मैं तो ऑनलाइन ही मंगा लूंगा माई प्रोटीन से, बट विक्की बोल रहा है कि नहीं भाई मैं यहाँ से ले लूंगा। तो भी हन्नी आ रहा, उससे भी बात करनी, उसका भी कॉल आ रहा था मेरे पास, 4 मिस कॉल है। बट मैं सो गया था, सच बताऊँ इतनी अच्छी नींद आई ना, बड़ी मस्त। अब बस नहाया हूँ और नहा गल टाइम पे ठंड लग रही, मेरे को ठंडे पानी से और नहा लिया हूँ मैं, मौसम धूप तो निकड़ी ना रही कभी। चलो गाइस आता है हनी, मिलवाता हूँ उससे आपको मैं। सो गाइस मैं आप सबको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है विंजो ऐप। अगर आप गेम खेलते हो तो इस एप्लीकेशन पर जाके गेम खेलो, आप गेम भी खेल सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। इसमें 40 से ऊपर गेम है, जैसे कि फ्री फायर हो गया, लूडो हो गया, और भाई कॉल ब्रेक हो गया, मतलब काफी गेम है। और भाई इससे जीते हुए पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो बहुत आसानी से, जैसे कि आप UPI अकाउंट से या पेटीएम में आपके साथ साथ आ जाएगा, और कम से कम इसमें 3 रुपए भी आप विड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे आपको 40 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो जल्दी जाओ डाउनलोड करो, कर लो यार, ऐ कर लो, ऐ कर ले। धन्यवाद भाई। गाड़ी का भाई, गाड़ी का जैसे लोन हो जाएगा तो अभी शाम तक बता देगा वो, आज के लिए तो बोला था 6:30-6:30 बजे तक मैसेज कर दियो, मैं 6:30 बजे के आसपास बता दूंगा जैसे ही बता देगा। ओ मेरी जान मर गया भाई, ये सारा सामान 2.5 घंटे से ऊपर हो गया सारा बैठे हुए वहां भाई, बता इसको पता लग गया अब सरकारी काम कैसे होते हैं। हाँ सब लग गया, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं बोलना ही कोई चाह रहा था, मैंने कहा यार सरकारी काम में ही इतनी मेहनत है। वैसे पता है प्राइवेट में होता ना, प्राइवेट में होता, पता प्राइवेट वाले क्या करते हैं, तेरे को नहीं भगना पड़ता, मेरे को लोन दे देते, जब तेरे को फाइल देनी थी वो करते, बट तेरे को सरकारी काम पर इसमें तेरे को फायदा भी कितना हो रहा है यार, लोन का परसेंटेज देखना कितना कम हुआ है यार, सीधा सीधा EMI में भी फर्क पड़ेगा, तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा। दिक्कत भयंकर हो गई ना कि इस चीज की वो क्या कहते हैं उनके पास है ना कोई यूट्यूब की इनकम का कोई वो नहीं है भयंकर रिकॉर्ड, कह रहे भाई ये किस चीज की इनकम दिखाए हम इसमें, देख रहे हो कितने रुपए कमा रहा है यूट्यूब से, हैरियर ले रहा है समझ जाओ। मुट्ठी कवर फूक मार के चाय कौन पीता भाई? अरे मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, तुम्हें डर लगे साला जीभ भी जल जा। तो दिन का सीन क्या सोच रहा है तू, अगर मान ले तेरी गाड़ी थर्सडे तक भी आ गई तो तू संडे को निकलने का प्लान बना लिया यहाँ से, मैं तेरे को क्लियर बोल रहा हूँ भाई, संडे मंडे में भाई वीडियो ना शूट करूँ मैं। अब तू वीडियो शूट भी करेगा उसके बाद तो भाई अगले महीने जाएगा कहीं, फिर भाई मेरे पर टाइम ना आएगा यार, फिर मेरे को शादी में जाना, शुभम बंसल की शादी है इनको सबको पता है। कोई है तेरे यार दादा, कोई कंपटीशन है मेरी, तेरी आवाज तो नो है इतनी बढ़िया जितनी तू गा रहा है। गाना गाएंगे अपन, गाना निकालेंगे तो गाना गाएगा। देख कहाँ रखी तूने मेरी गाड़ी कट पे यार, चलो तो यार हाथ चली गई, अलग करी तो साफ करवाई थी तो साफ ही भाई, गंदी हो गई है साफ ही, देख ले इतना तो मट्टी चढ़ती है भाई, अपना तो वैसे भी रोड के पास घर है, साफ ना करना भाई, लगाया था सारा छील दिया, ये हो जाएगा टेंशन मत ले, कल परसों हो जाएगा सही हो, करवा होगी मेरी बात आज कंपनी में। तो मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था तो काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई अपने डॉग को कुछ खिलाओ, वो कमजोर हो रखी है, वो 1.5 हफ्ते से बीमार चल रही है, इस वजह से वो कमजोर हो गई है क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही थी, बट अभी सही हो गई है, अब खाने लगी है, आप 1.5 हफ्ते बाद देखना। तो यार कैसे करके बस हनी की गाड़ी आ जाए जल्दी,
क्योंकि यार मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब उसकी गाड़ी आए, कब मैं निकलूँ। तो हो सके तो जहाँ तक हम दोनों अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे, और सीन बन चुका हमारा गुलमार्ग का कश्मीर का, क्योंकि यार अभी हिमाचल का तो बंद बता रहे हैं, तो सीन बन चुका अपना गुलमार्ग का। तो बस गाड़ी आ जाए उसका वेट कर रहा हूँ, शायद हो सके तो कल या फिर परसों तो 100% ही आ जाएगी गाड़ी। नहीं कल, उम्मीद तो कल की है वैसे, पर परसों तो 100% आ जाएगी गाड़ी।